है सर, ये जो ये ग्राउंड है इसमें कई सालों से उमरा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से फुटबॉल का मैच कराया जाता है और यहाँ पे सब जो बैठे हुए हैं, शमीम भाई है, नौफल नुमानी साहब है और हमारे साथ में डॉक्टर शाह है, करीम भाई है और कई ऐसे चेहरे एहतेशाम भाई है जो शामिल रहते हैं। इतना इस बात के होते हुए भी इंक्रोचमेंट हो जाता है उस ग्राउंड पर, लेकिन उसके बाद में मामा को यानी कि महफूज मामा को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब कहीं जाके वो इंक्रोचमेंट हटता है। तो अब इसको कैसे यकीनी बनाएंगे कि वो सिर्फ खेल का मैदान ही रहेगा? वो तो अभी तो छोटा कर रहेगा, मतलब हाथ में आए तो हमने छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन इसके आगे जाके मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोग से कि डेवलपमेंट के कामों के लिए हम लोग कोई पार्टी वार्टी देखे बगैर, खाली इलेक्शन में 15 दिन पार्टी देखे और बाकी के दिन सब हम लोग डेवलपमेंट देखे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और ये ग्राउंड के बारे में यही हकीकत में उतर आई ये बात और आपको रिजल्ट दिख रहा है, तो मेरी सबसे विनती, और ये लोग है भी सब साथ में, आप देख रहे हैं हम लोग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी का काम इलेक्शन के टाइम करेंगे लेकिन जो डेवलपमेंट का काम है वो हम लोग ऐसे मिलजुल के करेंगे तो बाकी में अच्छे नतीजे आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेशनल खिलाड़ी भी आते हैं वॉलीबॉल के लिए, तो ऐसा बड़ा प्लेग्राउंड और मिल सकता है कि आपके तरफ से? यहाँ पे अभी रिजर्वेशन वगैरह देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे महफूज मामा है, वो क्रिकेट के मैचेस भी रखते हैं, उनको स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है। अभी इनिशियली ये जो हाथ में मिला ये सुधार के दिखाते हैं तो लोगों को थोड़ा इसमें थोड़ा होप जग जाएगा इसमें, और सब मिल के और किधर रिजर्वेशन रहेगा तो हम लोग वो भी ताबे में लेने का कोशिश करेंगे। लोगों के होप भी बढ़ गए सर, दो पार्टी के लोग एक साथ यहाँ पर खरीदने आए हैं। नहीं अच्छी बात है ना, मैं वही बोला ना, इलेक्शन खाली 15 दिन देखना चाहिए, बाकी के दिन सब काम देखेंगे ना तो आराम से। आपने देखा है बुमराह इतने साल से कुछ नहीं था, आवाड़ साहब हमारे पार्टी के इसमें नहीं हम लोग, लेकिन उन्होंने वहाँ भी अच्छा काम किया हुआ दिख रहा है ना, जो अच्छा दिख रहा है उसको अच्छा बोलना चाहिए। तो आगे इस ग्राउंड में इंक्रोचमेंट नहीं होगा और ये हमेशा के लिए ग्राउंड ही रहेगा, उसको लेकर क्या? उसको लेकर हमारे है ना, उसके लिए हमारा पार्टी है। सर इससे पहले भी मुंगा की कई जगह मिली, कई पार्टी के हाथ में आई, आयुर्वेद साहब ने कुछ मतलब लिख करके दिया है कि अब इस पर कोई कब्जा नहीं करेगा और ऐसा कुछ लिख करके दिया क्या? उनका लेटर भी आया लिखित में, कब्जा अभी कब्जा तो मिल गया ना, तो छोड़ने वाले नहीं है हम। सर इस ग्राउंड के अलावा भी मुंगरा में और कई जमीनें हैं जहाँ पे ग्राउंड और कई ऑफिसेस है, मुझे लगता है मुंगरा में आपको लीगल जगह देखने से अच्छा इलीगल ज्यादा देखेंगे ना, वही ज्यादा दिख रही है, तो इसमें लीगल बातें अभी बन रहे हैं, मुंगरा भी डेवलप हो रहा है। बट सर डेवलप हो रहा है वो इलीगल तरीके से, हमको तो लीगल तरीका काफी अच्छे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं ना अभी, ये घरौंदा वगैरह ऐसे जो प्रोजेक्ट है और यहाँ के लोगों को भी आदत नहीं है। ये स्ट्रक्चर मौजूदा जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनका एक दावा था कुछ सालों पहले कि वो थाने को एशिया की पहली मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएंगे, क्लस्टर डेवलपमेंट लाएंगे, तो क्लस्टर डेवलपमेंट का सीन भी नजर नहीं आता हमको ऐसा, क्योंकि तो मुख्यमंत्री बन गए किशन नगर में डिक्लेयर किया था क्लस्टर का, लेकिन उधर भी वाइबल हो नहीं रहा। मुझे लगता है क्लस्टर के अलावा भी और कुछ स्कीम आनी चाहिए, छोटे छोटे पॉकेट्स में डेवलपमेंट कैसे करें उसके बारे में भी एक पॉलिसी आनी चाहिए, और अभी तो हमारे ये भी थाना भी है तो ये उनका जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ रहा है इसमें कि आगे जाके डेवलपमेंट के लिए करें, ना कि खाली अपना विधानसभा क्षेत्र देखे हो। सर आज इस प्लेग्राउंड के लिए महफूज मामा ने आवाज़ उठाई तो आप यहाँ तक पहुँचे और उससे आगे जो भी उस पर आप काम करने वाले, जो दूसरे ऐसे ग्राउंड पे कब्जे हो गए उस पर भी आप कुछ करेंगे या वो ऐसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं मैं वही बोला ना कि ऐसे जो रिजर्वेशन वाले प्लॉट्स है जहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है वो सब हम लोग अभी निकालेंगे, एक केस में हमको अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो बाकी केस में भी आना चाहिए, तो हम लोग वो क्राइटेरिया सेट करके आगे जाएंगे, देखते आगे पॉजिटिवली कुछ मान भी किया है कर लिया। शमीम भाई सर ने बोल दिया तो मेरा काम है। शमीम भाई सर बोल दिया तो मेरा काम है। शमीम भाई शमीम भाई चले बहुत जोर से बोलना शमीम भाई छोड़ भाई हाथ छोड़ हाथ छोड़ अरे नीचे दो। मैं क्या कहना चाहोगे आज आप भी यहाँ पर आए, महफूज मामा ने जिस तरीके से फुटबॉल के जो इस ग्राउंड के लिए आगे पहल की है इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे? देखिए मैं सबसे पहले हमारे मुकामी एमएलए दादा राजू पाटिल साहब का आज अल्लामा शिबली नगर नुमानी के हल्के के अंदर यहाँ पे हम उनका मकदम करते हैं, उनका करते हैं। मामा ने कहा था कि
ये खास कर आने वाले हैं और इस तरीके से हम लोगों को मामा ने इनवाइट किया था, तो हम तमाम साथी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुकामी नगर से जफर नुमानी साहब, हमारे डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब, करीम खान साहब, हमारे यहाँ के मौजम मामा खुद मौजूद हैं, गणेश मुंडे साहब हैं, दादा हैं और तमाम हमारे मनसे के यहाँ के मुकामी प्रेसिडेंट हैं और तमाम यहाँ के इलाके के लोग मिल कर के आज जिस तरीके से हमारे हमदा साहब ने कहा कि अच्छा ग्राउंड, अच्छा स्टेडियम होना चाहिए और उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया है। मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ, सर ने जिस तरीके का भी स्टेटमेंट दिया है और ये उम्मीद भी करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपने भी बहुत अच्छा यहाँ पे विकास का कार्य किया है और आगे भी इंशाल्लाह ताला और भी डेवलपमेंट के लिए हम लोग सब मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। और आपने खुद कहा कि पार्टी और सिस्टम, ये सब चीज़ों को लेके 15 डेज के पहले हम लोग इसके बारे में सोचते हैं और अच्छे कार्य के लिए हम सब साथ में हैं। जहाँ बात समाज की हो, जहाँ बात एक दूसरे की भलाई की हो, जहाँ बात हमारे नौजवान बच्चों की भलाई की हो, मुमरा स्पोर्ट्स के हमारे महफूज शेख मामा, जो मैं देख रहा हूँ तकरीबन 17 साल से राजकुमारी साहब, मैंने देखा है कि मामा का एक ही इंटरेस्ट है, बल्कि उससे हम पूछते हैं सर कि मामा तुमको हर काम को छोड़ के ज़्यादा इसमें ही इंटरेस्ट क्यों है। तो मामा का ये कहना है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, अगर वो तो अगर वो आते हैं अगर क्रिकेट की तरफ आते हैं, वो लोग वॉलीबॉल खेलने के लिए आते हैं, यानी उनका इंटरेस्ट अगर मैच से होता है, क्रिकेट से होता है, तो जो कहीं ना कहीं बच्चे आज के डेट में आप देखिए एडिक्ट हो जाते हैं, नशा करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइन आउट हो जाती है, तो उन बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, उनके जहन को और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए मामा की सोच यह है और पूरे मुमरा स्पोर्ट्स की ये सोच है कि मुमरा के बच्चों को एक अच्छा ग्राउंड मिले, जिसको राजू पाटिल साहब हमारे मुकामी MLA कंप्लीट कर रहे हैं। मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सर ने कहा है कि स्टेडियम बना करके भी यहाँ के लिए देंगे। मामा कुछ बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत्यकार। सबसे पहले तो मैं इस इलाके के आमदार राजू पाटिल साहब का दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और मुमरा स्पोर्ट्स का हिस्सा दिल की गहराई से मुबारकबाद देती है। मैंने राजू पाटिल साहब से आज तक, मैं उस पार्टी में हूँ नहीं ना, लेकिन मैं राजू पाटिल साहब से जब भी कोई काम बोला, किस काम को यहाँ तक पहुँचाना है, वो रोड बना दिया, इस रोड का भी पास करवा दिया हूँ, खान कंपाउंड का भी रोड पास करा दिया। राजू पाटिल साहब की नीति से राजू पाटिल साहब ने एक काम किया है और सबसे बड़ी बात राजू पाटिल साहब को बोलना चाहता हूँ मैं आज कि मैंने जब मैं इतना दबा हुआ था, कुछ माफियाओं ने मेरे ऊपर जब हमला किया तो मैं एकदम दबा हुआ था, लेकिन मैंने एक बार आवाज़ दिया राजू पाटिल साहब से और वो कदम से कदम मिला के जो मुमरा स्पोर्ट क्लब के साथ चले। और इससे बड़ी 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 बात क्या कि एक आमदार जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उससे बड़ी बात कोई है? तो मैं आज अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूँ। मैं राजू पाटिल साहब को मुमरा स्पोर्ट क्लब की पूरी टीम दिल की गहराई से मुबारकबाद देती है, उनका सत्कार करती है।